जब मैं ग्रेजुएट हुआ 2015 में तब से लेके अभी तक मैंने पांच बार प्रयास किया सो so, बाकी दोस्त जो कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे उन्होंने जॉब्स ले ली थी कई सारे यूएस चले गए थे जॉब करने कई सारे इंडिया में थे उनसे मिलते थे एक आ, वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली चीज़ होती है कि वो लोग जॉब कर रहे हैं और हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रिपेयर भी कर रहे हैं और रिजल्ट भी नहीं आ रहा है आर बी आई एग्ज़ाम आर बी आई ग्रेड बी प्री हो गया मीनस हो गया इंटरव्यू हो गया फाइनली लिस्ट में नाम आ गया तो लगा कि ठीक है ज्वाइन करते हैं कभी कभी जब मैं रिफ्लेक्ट करता था इंट्रोस्पेक्ट करता था इस बात पे, आई यूज टू थिंक कि जिस एग्जाम की तैयारी करने के लिए इतना कुछ रिस्क किया था वो ही नहीं हो रहा है लॉट ऑफ टाइम्स ये थाट आता था क्विटिंग अब इतने फेलियर्स के बाद जब आपको ये लगता है कि प्री पहला ट्रैप था वो अगर आपने क्लियर भी किया किसी तरह तो मेन सिक नया ट्रैप है जब आप बार बार फेल हो जाते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है यू शुड नो वाई यू बिगैन हेलो एवरी वन मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह है uh, मुझे सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020 में ट्वेंटी फोर्थ रैंक मिली है दिस वॉज माई फिफ्थ अटैम्प्ट Uh, मैं ऑलरेडी इंडियन पुलिस सर्विस में हूँ 2019 बैच एंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की जर्नी मेरे लिए तो बहुत लंबी हो गई uh, जब मैं ग्रेजुएट हुआ 2015 में तब से लेके अभी तक मैंने पांच बार प्रयास किया और हर एक हर एक अटैम्प्ट में मुझे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला डिफरेंट अनुभव रहा और फाइनली आई एम ग्लैड की जर्नी ऑन अ हैप्पी नोट कलमिनेट हुई सो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करता हूँ कोर्स दे हैव बीन माई लोज दे बीन माई लोज वैन इट कम्स टू प्रोफेशनल स्ट्रगल्स स्ट्रगल्स एट पर्सनल लेवल एंड कहीं ना कहीं आई रियलाइज इन दी एंड आई हैव कम आउट स्ट्रांगर आउट ऑफ आई जब मैंने अपनी ट्वेल्थ की आई वॉन्टेड अपेयर फॉर द आई टी जे ई नहीं हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में सेकेंड अटैम्प्ट दिया रैंक आई पर अच्छी नहीं आई जॉइंड एन एस आई टी डेली इंजीनियरिंग करी कंप्यूटर साइंस अच्छी लगती थी और लगा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन सकते हैं बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की बात हमेशा से दिमाग में रही थी सो आई वॉन्टेड टू अपेयर फॉर द एग्ज़ाम कॉलेज के फोर्थ ईयर के आसपास आई रियलाइज़ कि ठीक है आई एम नॉट गोइंग टू टेक अप अ जॉब बिकॉज मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम अगर ढंग से लिखेंगे तो हो जाएगा सिलेबस भी अच्छा लगा सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फोर्थ ईयर में अच्छे से प्रिपेयर किया 2015 थाउजेंड फिफ्टीन में नाई ग्रेजुएटेड मैंने एग्ज़ाम को पहली बार लिखा प्रीलिम्स uh, देने गए फर्स्ट अटैम्प्ट होता है तो फर्स्ट अटैम्प्ट वाला रश होता है सब कुछ ठीक ठाक तरीके से किया था दैट वॉज द ईयर जब सी सैट रिमूव हो गया था सो so, कहीं ना कहीं जी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी सी सैट वॉज ऑप्शनल से पासिंग रह गया था तो जी एस में ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म कर लिया था एंड ये लगा था कि ठीक है रीजनेबल कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा एग्ज़ाम जॉब भी नहीं ली थी तो थोड़ा प्रेशर भी था एंड आई फील्ड द एग्ज़ाम जब मार्क्स आए तो पता चला आई फील्ड आई फील्ड दैट एग्जाम बाय पॉइंट सिक्स सिक्स मार्क्स सो बाकी दोस्त जो कॉलेज uh, से ग्रेजुएट हुए थे उन्होंने जॉब्स ले ली थी कई सारे यूएस चले गए थे जॉब करने कई सारे इंडिया में थे उनसे मिलते थे एक Uh, वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली चीज़ होती है कि वो लोग जॉब कर रहे हैं और हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रिपेयर भी कर रहे हैं और रिजल्ट भी नहीं आ रहा है तो वो दैट थिंग स्टार्टेड टू क्रीप इन सो एक किस्म का प्रेशर भी डेवलप होने लगा सो so मैंने कहा चलो एक दो और एग्ज़ाम दे करके देखते हैं एंड uh, कहीं ना कहीं वो एक रिडम्शन वाली चीज़ होती है कि uh, ये नहीं हो रहा तो साथ साथ कुछ और एक जॉब लेके देखते हैं एंड आई गेव दी आर बी आई एग्ज़ाम आर बी आई ग्रेड बी प्री हो गया मेंस हो गया इंटरव्यू हो गया फाइनली लिस्ट में नाम आ गया तो लगा कि ठीक है ज्वाइन करते हैं उसी टाइम पे 2016 आ गया था सेकंड प्रीलिम्स का टाइम आ गया था मैंने कहा बार बी की जॉब है प्रीलिम्स फिर से लिखते हैं इस बार और अच्छे से तैयारी करी और इस बार फिर से नहीं हुआ हाँ और इस बार और खराब ढंग से नहीं हुआ मतलब चार नंबर से प्रीलिम्स रह गया तो ठीक है जॉब आ गई थी एंड देन सी एस नहीं हो रहा था सो so, कभी कभी जब मैं रिफ्लेक्ट करता था इंट्रोस्पेक्ट करता था इस बात पे आई यूज़ टू थिंक जिस एग्जाम की तैयारी करने के लिए इतना कुछ रिस्क किया था वो ही नहीं हो रहा है लॉट ऑफ टाइम्स ये थाट आता था ऑफ़ क्विटिंग सो मैं आर की ट्रेनिंग में चला गया था पीपल यू टू से आर इज़ अ गुड जॉब सो मैंने कई सारे अपने बैचमेट्स को बोला अपने दोस्तों को बोला कॉलेज के कि अब नहीं दूंगा एग्जाम एंड आई ट्राई टू एक्सप्लोर आर कि की बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मास्टर्स करेंगे फाइनेंस या इकोनॉमिक्स में पी करेंगे कुछ अच्छा करेंगे आर में करियर बट पीपल टोल्ड मी कि uh, जो भी आप कर रहे हैं यहाँ पे इट्स लाइक क्रिएटिंग अ पैरल स्टोरी फॉर इट सेल्फ इट्स नॉट समथिंग जो आप चाहते थे स्टार्टिंग से हाँ सो so आप कहीं ना कहीं अपने लिए एक ऑल्टरनेट पाथवे बना रहे हैं क्योंकि आप जहाँ पे आपको फेलियर्स मिल रहे हैं वहाँ से आप भागना चाह रहे हैं मैंने कहा बात तो सही है एंड कई सारे अच्छे कॉलेज uh, के सीनियर्स और अच्छे बैचमेट्स मिले जिन्होंने मुझे नच किया कि एग्ज़ाम फिर से लिखो एंड उसमें इंपॉर्टेंट ये था कि आप ये देखो सिर्फ एग्ज़ाम मत लिखो ये देखो कि क्या गलतियाँ कर रहे हो इतने हिस्से में अब गलतियों के ऊपर जब मैंने देखना शुरू किया तो कई सारी ग्लेयरिंग मिस्टेक्स थी उनके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया मैं मॉक टेस्ट नहीं लिखता था सो so, uh, मैंने मॉक टेस्ट करने शुरू किया आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एकदम ज़ीरो थी मतलब अगर फ्रीलिम्स हो भी जाता तो मेंस ना होता उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया बट उस टाइम तक मैं जॉब में आ चुका था ट्रेनिंग चल रही थी एंड uh, जॉब शुरू हो गई थी आई उज पोस्टेड टू शिमला एंड शिमला आ जाते हैं तो आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है हर एक चीज़ से क्योंकि Uh, शिमला में कोई आपके पास मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होगा कोई पीयर ग्रुप नहीं होगा आपके पास तो वही कुछ दोस्त थे उनसे फ़ोन पे बात करते रहते थे एंड धीरे uh, धीरे मन बना लिया कि 2017 में भी एग्जाम फिर से लिखेंगे एंड uh, दिल्ली आ जाते थे बीच में सो इट वाज रियली डिफिकल्ट पाँच दिन uh, हफ्ते के काम करो यू आर एग्जॉस्टेड बाई दी इवनिंग बट शाम को आओ थोड़ा सा तीन चार घंटे पढ़ो एंड फ्रीलम्स बस आने वाला था सो आई रिमेंबर जून अट्ठारह को प्रिलियम्स था एंड करे जा रहे थे तैयारी एंड केम बैक टू डेली रोड दी एग्जाम प्रिलियम्स हो गया एंड प्रिलम्स uh, हो गया तो क्योंकि फर्स्ट मेन्स होता है फर्स्ट मेन्स के साथ अपने आप में एक किस्म का वो फेयर ऑफ अन नोन होता है क्योंकि मीन्स में अलॉट ऑफ न्यू वेरिएबल्स कम है आप जब बार बार प्रीलम्स फेल हो जाते हैं आपके दिमाग में बस एक सपना होता है दैट हाइव टू क्लियर दी प्रीलिम्स Uh, मेरे साथ भी ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ था सो so, जब एक बार प्रीलिम्स हो गया एंड उस साल प्रीलिम्स बड़े अच्छे मार्जिन से हो रहा था uh, 25-30 नंबर का मार्जिन था सो आई न्यू कि भाई uh, इस बार मेंस लिखेंगे बट आई लॉस्ट लाइक अ मंथ और प्रॉब्ली लाइक टू इन एंटिसिपेशन कि भाई मेंस के लिए क्या करेंगे क्या एंड उसमें एक बड़ा कीमती टाइम चला गया आर में थे तैयारी करना अगेन वॉज मुश्किल सो इन दैट इंटायर प्रोसेस कहीं ना कहीं एक बहुत जो स्वीट स्पॉट होता है वो जाता जा रहा था एंड देरफोर uh, जो मैंने मेन्स लिखा वो उतना अच्छा नहीं लग पाया इवेंचुअली आउटकम भी वैसा ही हुआ आई लॉस्ट माई आई आई डेंट क्लियर दैट इयर आई लॉस बाई लाइक ट्वेल्व मार्क्स एंड अब इतने फेलियर्स के बाद जब आपको ये लगता है कि प्री पहला ट्रैप था वो अगर आपने क्लियर भी किया किसी तरह तो मेन्स एक नया ट्रैप है and again that same habit of how to find out your faults uh, एक तरीका है आप खुद से introspect करें हाँ uh, so मैंने वो किया मैंने ये देखा कि mains mein में writing bahut बहुत कम हुई थी मेन्स में मैं बस uh, एम्फोसाइज कर रहा था कि किसी तरह आंसर बस वो बीस uh, क्वेश्चन करके आने एंड ऑप्शनल के ऊपर ऑलमोस्ट काम किया ही नहीं था सो so, जब ये गलतियाँ रियलाइज करी तो वही जो मेरा पीयर ग्रुप था दो तीन दोस्तों का उनके साथ अपनी कॉपी शेयर करना शुरू किया टॉपर्स की आंसर कॉपीज देखा देर वॉज अ वाइड डिफरेंस सो मैंने कहा कि अगर एग्जाम फिर से लिखना है तो इन चीज़ों को कवर अप किए बिना नहीं लिख सकते बट एट द सेम टाइम आई रियलाइज कि ठीक है आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल मैं अपनी जॉब को भी एक पॉइंट के बियॉन्ड कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता एंड टू थाउजेंड में मैंने डिसाइड किया कि दिस विल बी माई लास्ट अटेम्प्ट जो भी होगा आई गिव माय हंड्रेड परसेंट टू द एग्जाम और मैंने किया भी यही सी एस ई ट्वेंटी एटीन वही फ्रीलिम्स से पहले एक हफ्ते की छुट्टी ली एग्ज़ाम दिया प्रीलिम्स ठीक हो गया मेन से पहले ऑलमोस्ट डेढ़ महीने की छुट्टी ली एंड दैट मेंट इवन दो मुझे छुट्टी मिल गई दैट मेंट कि मैं आर में अपना करियर थोड़ा सा बिकॉज लॉन्ग लीव इज समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर योर करियर ट्रैक रिकॉर्ड सो so, कहीं ना कहीं वो एक रिस्क था आई टू का कैलकुलेटेड रिस्क आई रोट अ लॉट ऑफ टेस्ट दैट ईयर जो भी गलतियाँ लगी टॉपर स्ट्रेटेजीज देखी सब कुछ देखा जो भी गलतियाँ लगी आई थॉट आई शुड वर्क ऑन दम रेक्टिफाई करी एंड आई ट्राइड टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड जब आप बार बार फेल हो जाते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है यू शुड नो वाई यू बिगेन हाँ वाई यू वाई यू टुक अप द फर्स्ट स्टेप वो कहते हैं ना कि जब ओखल में uh, सर दिया तो मूसल से क्या डरना सो so, जब आपने एक बार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है यू शुड नेवर फियर द ग्राइंडिंग प्रोसेस दैट इज गोइंग टू कम अलॉन्ग विद इट यू शुड बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस फेस दाथ बट एट द सेम टाइम कम आउट स्ट्रॉन्गर सो उस बार ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक से हो गया एग्जाम ठीक से हो गया इंटरव्यू दिया इंटरव्यू uh, के लिए भी इंटरव्यू कॉल आई इंटरव्यू दिया इंटरव्यू में भी ठीक मार्क्स आ गए एंड रैंक आ गई आई गॉट वन एटी वन दैट ईयर गॉट इन टू द इंडियन पुलिस सर्विस सो अब चार अटैम्प्ट हो चुके थे इनफैक्ट मैंने टू थाउजेंड नाइनटीन का फॉर्म भी नहीं भरा था बिकॉज आई आईज दैट क्लियर कि अब मैं अटैम्प्ट नहीं दे रहा हूँ सो so, मैंने कहा ठीक है आई पी एस आ गया है तो अब आई पी एस जाएंगे ट्रेनिंग करेंगे एंड फाउंडेशन कोर्स हुआ एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फाउंडेशन फाउंडेशन कोर्स का एंड uh, काफ़ी कुछ सीखा इन द एंटायर प्रोसेस एंड देन आईपीएस की फेज़ वन की ट्रेनिंग के लिए गए एंड अगेन कहीं ना कहीं इवन दो आईपीएस इज़ अ वेरी गुड सर्विस कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन था कि uh, मैं आई देना चाहता था और आई कुड प्रॉबली गिव वन मोर शॉर्ट इट सो मैंने मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली एंड फिर से एग्ज़ाम लिखा सी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी एंड लीव पे थे एंड ट्वेंटी ट्वेंटी वॉज अ डिप्रेसिंग ईयर कोविड आ गया एंड वी नेवर न्यू कि एग्ज़ाम कब होगा सो so, दिस इज़ वन एग्ज़ाम जहाँ मैं हमेशा सोचता हूँ कि प्री मेन्स इंटरव्यू तीनों ही पोस्टपोन हुए सो वी नेवर हैड क्लैरिटी कि कब क्या होने जा रहा है uh, प्री दिया अक्टूबर में जाके प्री हुआ दैट वॉज लाइक नाइन मंथ्स आफ्टर आई टुक माई एक्स्ट्राडिनरी लीव तो घर पर रहना कीपिंग वन सेल्फ मोटिवेटेड एंड एट द सेम टाइम वर्किंग ऑन वॉट मिस्टेक्स यू डिड एक बार जब आप सर्विस में आ जाते हैं उसके बाद वो और मुश्किल होता जाता है क्योंकि uh, जो स्कोप ऑफ रेक्टिफिकेशन होता है वो बहुत कम हो जाता है uh, क्योंकि आपके ऑलरेडी एक डिसेंट मार्क्स आ चुके होते हैं वहाँ से राइजिंग अप इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट तो वो गलतियाँ फॉल्ट फाइंडिंग अपनी आंसर्स में दूसरों की कॉपीज से कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स बो कर लेना मुश्किल होता जा रहा था uh, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन के लिए आए रियलाइज़ कि भाई ठीक है फाइनल डेस्टिनेशन है एक और बार लिख रहे हैं तो लिखेंगे भी वैसे ही तो प्री अच्छा हो गया मेंस दिया एंड मेंस के तुरंत बाद वी टू तो नेशनल पुलिस एकेडमी एंड मेंस दिया एंड मैं भूल गया कि मैंने मेंस लिखा भी था सो एन आए तो वहाँ पे तमाम एक्टिविटीज़ चलती हैं और बहुत ही रिगरे शेड्यूल होता है तो उसमें टाइम नहीं मिला लेकिन ठीक है बीच में मेन्स का रिजल्ट आया इंटरव्यू कॉल आ, आ गई थी देन इंटरव्यू की डेट्स एक्सटेंड हुई एंड कहीं ना कहीं वही एन कही की एक्टिविटीज़ में फिर से इन्वॉल्व हो गए इंटरव्यू से महीना भर पहले थोड़ा थोड़ा चीज़ों को देखना शुरू किया एंड Uh, वही प्रोसेस ये था कि ठीक uh, है कुछ भी नहीं है तो आई है एंड विच इज़ अ वेरी गुड सर्विस और बहुत अच्छा मौका है जनसेवा का तो उसमें रहेंगे एंड काम करेंगे एंड इसी uh, तरीके से बड़े रिलैक्स होकर के इंटरव्यू देने गए एंड वो जो चीज़ें गेन करी थी हाँ uh, अपने वर्क एक्सपीरियंस से आरबीआई में और आईपीएस के वो जो पर्सनालिटी के अंदर नएट आ जाते हैं दैट हेल्प मी अ लॉट इन द इंटरव्यूज सो इस बार फाइनली रैंक चौबिस आ गई एंड आई थिंक जब मैं अपनी इस लंबी जर्नी को पाँच अटेम्प्ट छ साल uh, अलग अलग जॉब्स uh, को सम अप करता हूँ आई थिंक वन थिंग विच इज़ अ कॉमन डिनोमिनेटर इज द स्पिरिट ऑफ नवर गिविंग अप दैट परसिस्टेंस हेल्प मी सेल थ्रू एंड स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में ऑफकोर्स ये होता था कि किसी भी तरीके से एग्जाम क्लियर करना है एंड ये एक बड़ा रीजन था कि प्रीलिम्स नहीं होता था बिकॉज प्रीलिम्स से पहले प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता था कि भाई फेल हो गए तो क्या होगा लेटर इन द लेटर अटेम्प्ट्स आई डेवलप्ड द फीलिंग ऑफ निष्काम कर्म सो जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा बस कोशिश ये करनी है कि अपना बेस्ट देना है एंड दैट निष्काम कर्म वाला फीलिंग uh, जो एकदम एंड में आया वो मेरे फोर्थ एंड फिफ्थ अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा इट हेल्प हेल्मी अलॉट एंड जब भी आप ये कोशिश करते हैं कि एक आउटकम ओरिएंटेड तरीके से जाने के बजाय आप सिर्फ उस प्रोसेस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन कर्मा, हाँ नॉट ऑन इट्स फ्रूट्स आपको वो हमेशा ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देता है सो ऑल दीज रिजल्ट जो आए दोनों साल के हाँ दे केम एज अ सरप्राइज एंड आई एम हैप्पी इट हैपिन दिस वे आई गॉट टू लर्न अ लॉट इन द एंटायर प्रोसेस another अनदर थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट taking up a job because uh, कहीं ना कहीं uh, जब घर पे बैठ के prepare कर रहे होते हैं दुनिया उतनी ही लगती है तो लगता है कि सारी चीज़ें वही old राज nagar का room है या घर है और जो भी है यही करना है एंड uh, इकलौती चीज़ जो आपको नज़र आती है वो exam है पर जब मैंने job ली एक तो वैल्यू ऑफ टाइम समझ में आई कि तीन घंटे के अंदर बहुत कुछ है करने को हाँ और बाकी टाइम जॉब है सो so, वो तीन घंटे की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आई एंड दूसरी बात कई जगहों पे जाते थे टॉक्स देते थे आर में इवन इन द इंडियन पुलिस सर्विस ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे नए अनुभवों को साझा किया एंड उस तरीके से जो पर्सनैलिटी में वोल्यूशन हुआ वो उस वक्त समझ नहीं आता लेकिन इवेंचुअली जब आपके आंसर्स या आपके इवन पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है वो किस तरीके से डेवलप होता है वो अब समझ में आता है कि ठीक है इट इज़ समथिंग विच हेल्प मी अ लॉट आई थिंक इट्स इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू टेक अप अ जॉब एंड प्रिपेयर अगर पहले या दूसरे अटैम्प्ट में नहीं होता है बिकॉज uh, आपके पास अगर तीन घंटे भी बच रहे हैं चार घंटे भी बच रहे हैं जॉब के बाद आपको एक इम्पॉर्टेंस ऑफ लिमिटेड टाइम समझ में आता है क्योंकि जब आप अपने ओल्ड राजेंद्र नगर या अपने घर के रूम में बैठे होते हैं आपको लगता है आपके पास पूरे 24 घंटे हैं देरफोर एज दी पार्किसन लॉज की वर्क एक्सपेंड्स टू फिल टाइम Uh, कहीं ना कहीं हम उस टाइम का उतना जुडिशियस यूज़ नहीं कर पाते हैं जितना आप एक नौकरी के साथ करते हैं क्योंकि तब वो तीन चार घंटे की महत्ता जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड uh, ये जो विजिबल चेंजेस आए uh, कहीं ना कहीं दीज थिंग्स हेल्प मी सेल थ्रू इन द वे आई वॉन्टेड थिंग्स टू हैपन एंड इवन वो लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं जिनके फेलियर्स रहे हैं uh, अगर आपको लगता है आपका इस साल नहीं हुआ या आपका लगातार दो तीन साल से नहीं हो रहा है वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज रियलाइजिंग कि आपने गलतियाँ कहाँ करी हैं उनके ऊपर काम करिए। हम आमतौर पे ये मानने लग जाते हैं कि ठीक है नहीं हो रहा है दैट मीन्स हमसे होगा ही नहीं हाँ विदाउट एक्चुअली इंट्रोस्पेक्टिंग कि गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं अनादर थिंग इज कि हम ये मानने लग जाते हैं कि एक बार एग्ज़ाम फेल हो गया द वर्ल्ड इज ओवर Uh, when I started preparing for the exam, a senior told me, who was in the IS, कि uh, don't make this exam your life. Uh, ये सबसे बड़ी गलती होती है जो कोई भी aspirant करता है. When you make this exam your life, uh, it's a blunder. Because फिर आप जब prelims या mains लिखने जाएंगे, the pressure that builds upon you is huge. Uh, therefore आपको बाकी चीजें भी appreciate करने चाहिए, करनी चाहिए अपने around. अगर फ्रेंड्स हैं उनसे रेगुलरली मिलते रहिए हाँ फैमिली आ, के साथ आ, लगातार बात करते रहिए एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है आपकी कुछ हॉबीज़ हैं कोई एक ऐसा साइड प्रोफेशन है जो आप आ, लेना चाहते हैं यू कुड यू कुड एक्चुअली वर्क ऑन इट एंड कहीं ना कहीं इससे जो पर्सनालिटी का इवोल्यूशन होता है वो आ, इस एग्ज़ाम में उसके रिप, रिप, रिपल इफेक्ट आते हैं सो यही कहीं ना कहीं मेरी जर्नी का एक कंक्लूजन है Uh, and I think uh, this worked for me, and if I could do it, I think anyone else could do it.